अच्छा एक बात बताओ, आप स्त्रियां अच्छी कब लगती हैं, सुंदर कब लगती हैं? जब वो बहुत सारा मेकअप कर ले तब, या जो नेचुरल है उसमें? और एक तीसरा, और चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमारी सुंदरता मेकअप से नहीं, हमारी स्त्रियों की सुंदरता मेकअप से ज्यादा। आप मेकअप करके भी इतनी अच्छी नहीं लगती हो मेरी माँ, जितनी अच्छी आप मुस्कुराते समय लगती हो, हंसते मुस्कुराते। आपके होठों पर जो नेचुरल मुस्कान है, आपकी जो ब्यूटी है वो आपकी स्माइल है। आपकी सुंदरता क्या है? आपकी प्रसन्नता। आप स्माइल कर रहे हैं, आप प्रसन्न हैं, ये आपकी सुंदरता है। आप कितना भी सज लो, लेकिन आप जब हंसते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। और विशेष जब स्त्रियां हंसती हैं तो उनके पति को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन स्त्रियों ने आज तक, स्त्रियां होकर भी एक चीज नहीं सीखी, स्त्रियां जब भी बात करती हैं अपने पति से किसी मैटर में, घर के मैटर में, सास के, ससुर के, जिठानी के, देवरानी के इत्यादि, तो रोती हुई बात करती है, रोती हुई। आप ना पहले आंखों में आंसू भर लेती हो और आंसू भर के फिर बात करती हो। ये थर्ड क्वालिटी की स्त्रियां। घर की कोई सामान्य बात हो, सास ने कुछ कह दिया आपको और आप पति से बोल रही हो कि आज तुम्हारी माँ ने ये कहा, तो जो कहा है उसे स्पष्ट कह दो। इसमें रोने की, कि आप रोना इसलिए, आप इसलिए रोते हैं ना कि रोने पर हमारे पति को ज्यादा और प्रभाव पड़ेगा, पर वो प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। जब आप बात बात में रोती हो ना, तो फिर बात वही है कि जैसे छोटा सा बच्चा है आपका और वो बस रोता रहे, तो आप क्या करोगे? टॉफी ले ले, फिर भी वो रोता रहे, फिर आप क्या करेंगे? खिलौना दे, खुन 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 ले, ये इससे खेल, उसे भी फेंक दे, फिर वो क्या कर, तो फिर माँ को क्या आती है? गुस्सा। फिर माँ एक दो जमाती है, ले अब रो तो रहा। और ऐसे ही पति करता, जो तुम बात बात में रोती हो ना, तो वो पहले समझाता है, ऐसी बता दो रो मत, लेकिन नहीं हमें तो रोना है, पहले रो रो के सुनो हमारी बात। हाँ तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया, मैं तुम्हारी भाभी ने ऐसा कह दिया, जिठानी जी ने, तो पति बोला ये बिना रोए भी तो तुम बता सकती थी, रोके क्यों बोलना है? अच्छा एक बार चलो सुन भी लिया पति ने, कल फिर आया फिर तुम शुरू, परसों आया फिर तुम शुरू, तो पति को लगा अच्छा इसकी आदत है, तो फिर रो अच्छे से, फिर वो रुलाता है। हंसता हुआ बच्चा होगा तो आप उसे और गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, रोता हुआ कोई बच्चा होगा तो लोग उसे और चिढ़ाते हैं, वो और रोता है। रोते हुए को प्रकृति का नियम है, रोते को रुलाया जाता है और हंसते को हंसाया जाता है। अब आप देखो कि आपको शुरुआत रोने से करनी है या हंसने। आप रोएंगे तो आपको रुलाया जाएगा और आप हंसेंगे, इसलिए सदा हैप्पी रहो, खुश रहो। आपकी बातें तो बनती बिगड़ती रहेंगी, पर आप प्रसन्न रहो। जब आप खुश रहेंगे तो संसार क्या, प्रकृति भी आपको रुला ना पाएगी, वो भी आपको सपोर्ट करेगी आपके हंसने में। इसलिए हंसिए ज्यादा, रोइए भगवान के लिए। रोइए किसके लिए? मीरा की तरह भगवान के लिए, गोपियों की तरह भगवान के लिए। हंसिए ज्यादा, रोइए कम, लेकिन आप बात बात में रोना। और माताएं, तुम जितने आंसू ना जिठानी देवरानी के लिए बहाती हो मेरी माँ, इतने आंसू तुम भगवान के लिए बहाओगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्त्रियों को एक चीज बहुत अच्छी दी है भगवान ने, आंसू। माताएं इतनी बढ़िया होती हैं कि एक क्षण में हंस सकती हैं और एक क्षण में रो सकती हैं। ये टैलेंट केवल माताओं के पास है, पुरुषों के पास नहीं है।
संसार का कोई पुरुष पल भर में हंस नहीं सकता, पल भर में रो नहीं सकता। पुरुष हंसेगा तो हंसेगा और रोएगा तो रोएगा, और लेकिन स्त्रियां चुटकी बजती हंस लेंगी और चुटकी में रोने लग जाए, कब हंस लिया कब रो लिया पता ही नहीं चलेगा। ये टैलेंट केवल स्त्रियों में, इसलिए जब तुम्हें ईश्वर ने इतना बढ़िया टैलेंट दिया है तो उसका मिसयूज मत करो। जो तुम पति के साथ रो रो के तुम बताती हो ना बातें, ये तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग करती हो तुम। रोना ही है तो इसलिए रोइए कि प्रभु कब दर्शन दोगे, भगवान के लिए रोइए। आपके आंसू काम आएंगे यदि भगवान के लिए बहेंगे तो, और ऐसी तुम बहाओगी ना मेरी माँ तो व्यर्थ जा रहे हैं तुम्हारे आंसू। हाँ या ना, समझ में आई? क्या समझ में आया? बात बात में रोना है? आप रोती हो बात बात में? सही बताओ, नहीं? थोड़ा मजबूत बनो। माताएं बार बार बात बात में रोती हैं, ये अच्छा नहीं लगता। रोइए, कोई वजह हो रोने की तो रोइए भी। सास ने कुछ कह दिया फलाने, अरे कह दिया इसमें रोने के, ऐसे तो बहुत लोग कहेंगे, तो किस किस के कहने पे तुम रोने बैठोगी? थोड़ा तो शक्ति लाओ अपने अंदर, थोड़ा तो बर्दाश्त करो, थोड़ा तो सहनशीलता लाओ। तुम नाजुक हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल जूजू बन जाओ। इसलिए आपके पास जो रोने की शक्ति है उसे भगवान की यादों में लगाया जाए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं और कौन लोग सहमत नहीं है? कितने लोग, अब नीचे करो हाथ, कितने लोग सहमत नहीं है? पीली मैया, ये लाल मैया खड़ी हो गई, सहमत नहीं हो मेरी मां? उन्हें पता ही नहीं आगे क्या कथा चल रही है, हम तो आए अब चली महाराज। तो देखो बात समझने की है, समझ सको तो समझो दिलवर जानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पूतना मौसी आई और भगवान को, इसलिए आप एक अच्छी बात आज सीख लो कि ईश्वर भी हंसते को हंसाते हैं और रोते को, हां भगवान की याद में कोई रोए भगवान के लिए तो वो रोना सबसे उत्तम है। गोपियों की तरह रोइए, भगवान की यादों में रोइए, वो रोना अच्छा, उसकी मना ही नहीं कर रहा हूं मैं, उसका तो मैं खुद कहता हूं रोया करो भगवान की याद में। पर ये जो जगत की झंझटों में तुम रोती हो या रोते हो, इसमें रोने से नहीं, इसमें और मजबूत बनो और बर्दाश्त करो और उसका सल्यूशन देखो, किसका समाधान क्या है। जो मुसीबत आन पड़ी है, जो संकट आन पड़ा, उसको रोने से ना जाएगा, उसका समाधान देखिए कैसे जाएगा, उसका समाधान निकालिए। रोने से तो आप कमजोर पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? मैया सुन रही हो नमः।